नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस महानगर। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास खबरों से। लोकसभा चुनावों में महागठबंधन के साथ रहे कई नेता अब विधानसभा चुनावों में उम्मीदवारी पाने के लिए महाविकास आघाड़ी का रुख कर सकते हैं। जानकारी के मुताबिक महाविकास आघाड़ी के नेताओं और अकजुल के रंजीत सिंह मोहिते पाटिल, पंडरपुर के प्रशांत परिचारक, इंदापुर के हर्षवर्धन पाटिल, पुणे के बापू पठारे, भुजान के मदन भोसले और कगाल के समरजीत घाटके के बीच पर्दे के पीछे चर्चाएं हो रही हैं। नेताओं को देखते हुए महाविकास आघाड़ी की ओर लौटने की योजना बना रहे हैं। आने वाले दिनों में कई बड़े नेताओं की वापसी की उम्मीद की जा रही है। शरद पवार गुट में शामिल होने वाले संभावित नेताओं की बात करें तो बीजेपी के विधान परिषद विधायक रंजीत सिंह मोहिते पाटिल माधव विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ सकते हैं। रंजीत सिंह, जिन्होंने अपने चचेरे भाई की लोकसभा अभियान को गुप्त रूप से संभाला था, अब बीजेपी से नाता तोड़ सकते हैं। माड़ा विधानसभा क्षेत्र के मौजूदा विधायक बवन दादा शिंदे शरद पवार से लगातार मिल रहे, जो फिलहाल अजीत पवार की पार्टी में है। उनके बेटे को तुतारी से चुनाव लड़ाने की कोशिश की जा रही है। शरद पवार सही समय पर शिंदे या मोहिते के भविष्य का फैसला लेंगे। पंडरपुर से प्रशांत परिचारक, जो पिछले 6 सालों से बीजेपी के साथ विधान परिषद में है, आगामी विधानसभा चुनाव में बीजेपी विधायक साधन अबताड़ी के खिलाफ मैदान में उतर सकते हैं। इसी तरह सांगोला विधानसभा क्षेत्र से एकनाथ शिंदे की पार्टी के मौजूदा विधायक शाहजी बापू पाटिल की उम्मीदवारी महागठबंधन द्वारा तय मानी जा रही है। लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी में शामिल हुए अभिजीत पाटिल शरद पवार के पास वापसी कर सकते हैं। वहीं अजीत पवार की पार्टी के जिला अध्यक्ष दीपक सालूखे भी सांगोला से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। फिलहाल ये नेता अपने राजनीतिक पत्ते खोलने से बच रहे हैं और सही समय का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन उनके समर्थक अपने नेताओं की भविष्य की रणनीति के संकेत दे रहे हैं। 2014 से बीजेपी के शासनकाल का लाभ उठाते हुए इन नेताओं ने बीजेपी में जगह बनाई, लेकिन अब लोकसभा नतीजों और महागठबंधन में खींचतान को देखते हुए महाविकास आघाड़ी में लौटने की योजना बना रहे हैं। इन नेताओं की राजनीतिक ताकत को देखते हुए उनके लौटने से उनके निर्वाचन क्षेत्रों में बड़े बदलाव की संभावना है। अब तक की खबरों में बस इतना ही। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार।